श्री संत को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या अभी भी मतलब उन्हें उस नजरिए से देखना सही है फिक्सर के तौर पे? वो तो देखिए कि मैं तो बोल नहीं सकती, बट एक होता है ना कि लोगों के दिमाग में एक उनकी इमेज बस गई है, वही वाली, तो वही वाली इमेज वो ज्यादा हाईलाइट हो गई। अब गंभीर ने सही में बकी होगी इतने कुछ या फिर खाली हवा बना रहा है? नहीं, वो कर सकता है, गौतम गंभीर बड़े आदमी है, वो कर सकता है। वो जब विराट कोहली से भी लड़ सकता है तो उसके आगे वो तो बच्चा ही है फिर। गौतम गंभीर कैसा लगता है? मतलब वो सबको ही उल्टा सीधा बोलते हैं, ये तो पता मतलब ही उम्मीद है। गंभीर की भी आदत है, गंभीर को हाँ। भाई मार पिटाई, गौतम हमेशा गंभीर रहते हैं। फिक्सिंग उठाया गया था तो खराबी होगा यार। अब ये सवाल भाई, गौतम गंभीर और श्रीसंत में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि लेजेंड्स लीग में वो खिलाड़ी जो अपने अपने लड़ाइयों के लिए मशहूर थे, अब एक दूसरे से लड़ाई के लिए बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, और श्रीसंत ने एक के बाद एक कमेंट कर दिए। चलिए न्यूज रूम वाले से पूछते हैं क्या चल रहा है लड़ाई के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे फारूक, तुम ही आ जाओ यार। देखो श्रीसंत के बारे में तुम पता सुबह से कवर कर रहे हो, कहां तक मामला पहुंचा है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं हर बार, और ऐसा क्यों होता है कि श्रीसंत और गौतम गंभीर इनमें से एकाध खिलाड़ी जब फाइट की बात होती है इनमें से एकाध इन्वॉल्व हो जाता है? गंभीर की भी आदत है, गंभीर को हाँ। भाई मार पिटाई, गौतम हमेशा गंभीर रहते हैं। हाँ, गंभीर रहते हैं, दिल्ली वाला खून रहता है उनमें तो ये तो खैर कल हमें दिख गया था, लेकिन जो फिक्सर वाली बात है ना, मैं थोड़ा सा यार ये फिक्सर वाला इशू क्या बताओ ना, एक बार बोला है मतलब हुआ क्या है कि मैदान भाई मैच हुआ, बॉलिंग करी, पहले छक्का पड़ा फिर चौका पड़ा फिर डॉट बॉल आई, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई जो कि यूजुअली हो जाती है बॉलर बैट्समैन, उसमें कुछ बवाल नहीं है। उसके बाद श्रीशांत आए डिफेंस लॉयर बन के अपने खुद के, उन्होंने फोन उठाया, वीडियो ऑन करी और बड़बड़ कर दिया पहले। हाँ, पहले ग्राउंड में से, ग्राउंड में से प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद, प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्लिप करके कैमरा दिखा दिया, वो देखिए गौतम गंभीर हैं जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, जब अपने कलीग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो ऐसे। मेरे ख्याल से सांसद ही बोल देते कि अपने लोगों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो। वो उन्होंने फिर ये कह दिया कि ये वो इंसान है जो वीरेंद्र सहवाग से लड़ जाता है, ये वो इंसान है जिसको विराट कोहली अगर पूछे तो दाएं बाएं कर देता है, कुछ बात नहीं करता, इसका काम ही लड़ना है, ही इज द फाइटर, फाइटर ये कह दिया उन्होंने। फिर उसके बाद और इन्होंने बोला, मैं एग्जैक्टली लाइन नहीं बताऊंगा कि बात क्या हुई है, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, गाली वाली दे दी पहली वीडियो। अच्छा, मुझे लगा गाली वाली। उसके बाद रिप्लाई में गौतम गंभीर ने चुपचाप से एक स्टोरी डाल दी और लिख दिया, स्माइल व्हेन द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गेटिंग अटेंशन। फिर उसके बाद एक और बार लाइव चले जाते हैं ये, तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं खुद का डिफेंस लॉयर बन रहे हैं ना, ये ना मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है आपको कि खुद ही मतलब फेम लेने के चक्कर में थोड़े फॉलोअर बढ़ जाए, थोड़ी बातचीत हो जाए, ये देखिए जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन आप खुद ब खुद जो डिफेंस लॉयर बन रहे हैं अपने आप, किसी ने बात तो बोली नहीं, आप आकर के खुद लाइव पे बोलते हो कि इसने मुझे फिक्सर बोला था, पहली वीडियो में कोई खास लगता है बवाल उठ नहीं पाया, अगर फिक्सर बोला था तो तुम्हें लगता पहली वीडियो में आ जाता? वही कह रहा हूँ कि पहली वीडियो में बोला नहीं, हाँ। अगले ही दिन सुबह लाइव आते हैं और बोलते हैं कि फिक्सर बोला, फिर उसके बाद कहते हैं गौतम गंभीर का पावर बहुत है, पीआर है, पैसे वाले आदमी है, बैकग्राउंड पॉलिटिकल है, तो वो बड़े आदमी है, मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आपके सामने सिर्फ वीडियो बना करके बोल सकता हूँ, तो ये काम मैं कर रहा हूँ। कितना सच्चा है तो ये सिंपैथी एंगल दिख रहा है इसमें बहुत बड़ा वाला, और वीडियो देखी मैंने, मुझे लगता है इतनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है, हो चुके हैं बिल्कुल, श्रीसंत कोई नहीं जानता है, श्रीसंत लेजेंड लीग में खेल रहे हैं, और ये एक अच्छा तरीका है ऊपर आने का। मैं गंभीर को सही नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज गंभीर की आदत है लड़ाई बड़ाई करने की, वो दूसरों की लड़ाई में घुस जाते हैं यार, वो विराट कोहली और नवीन लग में हाँ। कह रहे मेरी फैमिली को कुछ बोलोगे तो मैं आऊंगा, फैमिली को नहीं बोला। अच्छा, एक चीज ये भी है कि गौतम गंभीर ने खुद बोला था मुझे श्रीसंत का एग्रेशन पसंद है। हाँ, और श्रीसंत ने ये भी कहा था कि मुझे इनकी स्माइल बहुत पसंद है, ही इज द स्वीटेस्ट गाय, दो हफ्ते पहले तो ये उलट पुलट हुआ है आपस में इनके बीच में कुछ, और श्रीसंत को फायदा हुआ है। मोटे मोटे तौर पर क्या लग रहा है, कौन सही है? देखिए मुझे लगता है फिक्सर वाली बात नहीं हुई है, बाकी लड़ाई में कौन सही होता है यार, सही कोई नहीं होता है। कोई सही नहीं होता। आज भास्कर की तरफ देखते हैं, आज मेरे भास्कर इधर ऐसे घूमो, ये कैमरा है, खड़े हो जाओ, अरे खड़े हो जाओ, टोपी पहन के आज वे श्रीसंत और लड़ाई हो गई गंभीर साहब की, गौतम गंभीर हो गए एक बार फिर से, क्या लग रहा है किसकी गलती? तू वही जानते हैं किसकी गलती है, मेरे को थोड़ी पता है, नहीं पता किसकी गलती है, मतलब एक बात बताओ ये मुझे, गंभीर ने बोला होगा फिक्सर विक्सर? हाँ, वो बोल सकता है, बोल सकता है, एकदम बोल सकता है। अच्छा, और श्रीसंत ने जो काम किया वो सही है गलत? वो उसकी प्रायोरिटी है, वो क्या कर रहा है वो नहीं कर रहा है वो तो वही नहीं है। मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो तुम मैच खेल रहे हो, तुम्हें दो बाउंड्री पड़ गई है, तो तुम्हें उसे सही लगे, अब बॉलर गुस्सा आना सही है गलत है? सर वो नेचुरल है, झगड़ा का शुरुआत हुआ था ना वहाँ से, वो जब अपील किया ना श्रीसंत, हाँ उसके बाद वो झगड़ा का शुरुआत हुआ। अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत है फिर, वो तो सही चीज़ है। हाँ, तो वो गंभीर की गलती है ना, गंभीर जो भी बोले होंगे गंभीर, ऐसा बात मतलब कोई, अच्छा गंभीर ने कहा था मुझे तो एग्रेशन पसंद है, तो फिर ये अचानक से क्यों इतना बौखला गए फिर गंभीर? क्योंकि मतलब एग्रेशन आपकी मतलब कुछ अच्छाई है, अब आप अपनी अच्छाई मेरे सामने दिखाओगे तो मुझे हजम थोड़ी होगी, वैसे ही उनके सामने पड़ गई उनको, मतलब एग्रेशन जब पसंद है जब दूसरे पे चिल्लाओगे, हम पे चिल्लाओगे तो नहीं है, ठीक है भैया, यही हुआ है गंभीर के साथ। अच्छा, मतलब छक्का चौका पड़ने के बाद वो अपील किया, मतलब पैड पे लगा बॉल, हाँ, LBW की अपील,
और कस के, मतलब जो नेचुरल होता है एक बॉलर का सबका होता है। हाँ। लेकिन उसके बाद ये मामला आया, अपील के बाद ही मामला आया, अपील के पहले और नहीं। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई गंभीर ने मुझे फिक्सर बोला और जी बहुत कुछ ऐसा कह दिया, मैं कैमरे बता भी नहीं सकता। अब बोला ही होगा, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं बोल सकता है। बिल्कुल बोल सकता है। जब वो, जब आप सोचिए ना विराट और नवीन की लड़ाई में वो कूद सकता है, जब पब्लिक को मिडिल फिंगर दिखा सकता है तो मतलब मुझे लग रहा है कि फिक्सर नहीं कहा होगा, लेकिन फिर भी इनकी जो बात है उस पर सिर्फ कह रहा हूँ कि गंभीर कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। गंभीर अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका मैंने ट्विटर हैंडल खोला तो उन्होंने भगत सिंह का फोटो लगाता है, मुझे भगत सिंह पसंद है इसलिए मेरे को गंभीर अच्छा लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सब कुछ कोई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अफजल से बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल इंसान है ये वैसे, लेकिन आज क्रिकेट के बारे में पूछेंगे। तो गंभीर तुम पॉलिटिकल आदमी हो, गौतम गंभीर सांसद भी हैं, तो क्या लगता है सांसद के तौर पर गंभीर की लड़ाई कितनी सही लड़ना किसी से? देखिए सर, वो तो पहली बात तो मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी, मैंने इसीलिए सांसद वाला सवाल पूछा सीधा, एक सांसद के तौर पर मैदान में जाकर लड़ना कितना सही? नहीं नहीं, ठीक नहीं है, क्योंकि वो सांसद हैं और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, सीनियर खिलाड़ी भी रह चुके हैं भास्कर एज ए क्रिकेट ग्राउंड में ही गए थे। सर जडेजा की वाइफ भी सर बीजेपी से सांसद विधायक है, वहाँ पे खेल रहे हो, की वाइफ सर विधायक है। सुनो सुनो सुनो, जडेजा की वाइफ विधायक है ना, तो जडेजा विधायक नहीं है, जडेजा विधायक नहीं है। आप चाहे कुछ भी करोगे, आप अब जब तक की उनके पास ऑफिस है वो तब तक वो विधायक रहेंगे। सर, वो क्रिकेट ग्राउंड के बाहर अभी वो कुछ भी करेंगे। सर, नहीं ग्राउंड भास्कर मेरी बात सुनो सर, वहाँ तो उन्होंने बीजेपी का नाम ही नहीं लिया। जनता ने चुना है, श्री संत ने सर बीजेपी का नाम ही नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं। मैंने इनसे सवाल किया कि बीजेपी के सांसद है वो, क्या अब एज अ सांसद? नहीं सर, एज ए सांसद तक क्रिकेटर नहीं खेल सकता। ये बोला है श्री संत ने, नहीं सर, एज ए क्रिकेटर अगर आप क्रिकेट कलीग्स की इज्जत नहीं सर, क्रिकेट ग्राउंड किसके लिए होता है? सांसद के लिए होता है, क्रिकेटर के लिए होता है? यार क्यों नहीं हो सकता, मनोज तिवारी नहीं खेले हैं? मनोज तिवारी नहीं खेले हैं? नहीं, क्रिकेटर नहीं है सर वो। अरे सर, वर्ल्ड चैंपियन सर गौतम गंभीर, वर्ल्ड चैंपियन, नो सर, वर्ल्ड चैंपियन 2007 की T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ODI वर्ल्ड कप। इतना ही शौक है तो कमेंट्री क्यों कर रहे हैं सर? कमेंट्री पैसे के लिए कर रहा है सर वो, आप पैसा अगर आप, नहीं सर वो आपका पैसा, हमारा पैसा नहीं खाएगा सर। आप मुझे सर सांसद किसे पैसा खाते हैं सर? सांसद सांसद क्यों बने सर? सांसद का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है लोगों की सेवा। सांसद और विधायक किसके पैसे खाते हैं? हमारे और आपके। लेकिन वो अपना मेहनत खाता है, कमेंट्री करता है, पैसा कमाता है और क्रिकेट नहीं सर, सैलरी नहीं लेता सर, सैलरी नहीं लेता सर, लेता तो वो डोनेशन चलता है सर, उसका डोनेशन। अरे डोनेशन तो पता नहीं कितना चलता है इसका। नहीं सर, वो कमाने का शौक है सर। की मंथली इनकम कितनी होती है पता है सर? उसे कमाने का शौक है, क्या कमाना गुना है? यार आप नहीं, हम घर में बैठे खाएं एसी में। सांसद नहीं बनते ना, क्यों चुनाव लड़े आप? सर चुनाव लड़ा, दिल्ली के लिए काम किया सर। सर क्रिकेट सर उसका जो प्रोफेशनल सर, जो प्रोफेशन जिसका होता है वो करता है सर। मुझे एक चीज बताओ ना, आपका प्रोफेशन, आप रिटायर हो गए क्रिकेट से, ठीक है, आप संसद हैं, अब आप सुनो मेरी बात, आईपीएल में मेंटोर हैं, मतलब 2 महीने आप वहां रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड कप में आपने कमेंट्री करी, आप 1 महीना वहां पे बिजी रहेंगे, अब आप लेजेंड्स लीग खेल रहे हो, अच्छा कितना टाइम दे रहे हो? कौन सा लीग है सर? लेजेंड्स लीग। वो क्या है? अरे तो चाचा नहीं, वो है क्या सर? सर वो है क्या सर? लेजेंड्स है कि नहीं है? लेजेंड्स है कि नहीं है? सांसद क्यों बने वो सर? अरे लेजेंड नहीं सर, कर रहा तो सर वो क्रिकेट खेल कहां रहा सर? क्रिकेट के यहां पे सिर्फ लेजेंड्स खेलेगा सर। अगर वो लेजेंड है तो आप क्रिकेट खेलिए। महेंद्र सिंह धोनी क्या क्रिकेट रिटायरमेंट ले लिया है ना सर? क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेजेंड काहे खेल रहे हैं? यानी जो बड़े बड़े होते हैं ना क्रिकेट के, वही खेलेंगे। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ आती है दोगलेपन की बात। ऐसे तो इमरान खान भी क्रिकेट के लेजेंड है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में है, आज जेल में है, तो वो क्रिकेट नहीं ना खेलते हैं सर? वो पैसे जब 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 वो लेजेंड की बात, हम जब जब वो पॉलिटिक्स में सर, हाँ आपके बात से सर, सर सर एक मिनट सर, आपसे बात करनी सर, सर सर अब मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, जब जब इधर सुनो, इधर इसलिए तो जेल में है सर वो, इसलिए तो जेल में है वो, कमाते नहीं है अपने। इधर सुनो मेरी बात, देखो अगर उन्हें लेजेंड है, देखो वो अनुराग सर, देखो वो इंडियन क्रिकेट के लेजेंड है भास्कर, इधर सुनो, इंडियन क्रिकेट के लेजेंड है गौतम गंभीर, मतलब लेजेंड लीग है सर, क्यों नहीं लेजेंड लीग क्रिकेट हो रहा था सर? सुनो मेरी बात, अच्छा इंडियन क्रिकेट के लेजेंड है गौतम गंभीर, लेकिन अगर उन्हें वाकई में लेजेंड बन के रहना है क्रिकेट का, तो राजनीति में नहीं आते। अगर राजनीति में आए हैं तो सर तो ये हो क्या रहा है सर? दोगलापन नहीं कर सकते अपने सांसद क्रिकेट क्रिकेट खेल नहीं रहा सर? आईपीएल खेल रहा है सर, मेंटर और खेलने में फर्क होता है सर। धोनी भी कुछ दिन बाद मेंटरिंग करेगा तो सर
वो थोड़ी खेल लेगा। आप एक मिनट दिमाग से सोच, आप एक मिनट मुझे बात जवाब ध्यान से दियो। टीम के साथ रहता है मैदान में? टीम के साथ रहता है सर। तो फिर सर पैसा कमाता है खुद के लिए, आपके हमारे पैसे, सांसद के पैसा लूट के नहीं खाता सर, मेहनत का पैसा खाता है सर। सर सांसद सांसद और विधायक जाकर बैठ के एसी में बैठे खाते हैं सर, पीते हैं। कौन किसके लिए काम करता है सांसद विधायक सर? तो एक बात बताओ फिर आप सर, वो अपने पैसे खुद कमाता है। पैसा कमी है उसके पास सर? नहीं तो क्या हुआ सर, पैसे ही कमाने की जरूरत नहीं है सर, उसको जरूरत है इसलिए नीड है, कमाता है। लेकिन वो लेजेंड्स क्रिकेट है वो सर, वहाँ खेल रहा है, वैसे सांसद वहाँ नहीं खेल रहा सर। यहाँ पे यार मैं एक चीज बताना मुझे, यार रुक जाओ यार, श्रीशांत की बात है, कोहली की, उसकी बात है, गंभीर की, क्यों सांसद और कुछ क्रिकेटर में फंस रहे हो? या तो आप मुद्दे पर आओ वापस, अगर आपने बोला है ना ये वाली चीज, मुद्दे पर आओ वापस, मुद्दे पर आओ भाई। वो श्रीशांत, मैं वही कह रहा यार, वो श्रीशांत फुटेज लेने के लिए बैठा हुआ यार, दो उसको, क्या तुम कहाँ फंस रहे हो? नहीं है, मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आप सांसद हो ना, आपने आपको देश लोगों ने चुन लिया है, तो आप जो भी काम करोगे एज अ सांसद करोगे। अब आप भाई आप बताओ आप। हाँ, गौतम गंभीर और श्रीसंत। देखो गौतम गंभीर का नाम तो मैं सुना जानता हूँ, ठीक है, श्रीसंत का नाम ही सुना मैंने। 2007 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे ना पहली बार, तो जो आखिरी कैच पकड़ा था उन्होंने ही पकड़ा था। हम जीते तब, जब हम जीते थे, तो मतलब कुछ ठीक अच्छा है, चलो ओके, अच्छा आदमी था, मर गया, नहीं जिंदा है, लेकिन अब अच्छा नहीं रहा, ये वाली बात होती है। अच्छा, अब इसलिए सवाल, इसलिए ये वाला अच्छाई पर सवाल इसलिए क्योंकि क्या वो आदमी जिसको फिक्सिंग के लिए उठा लिया गया था, फिक्सिंग उठाया गया था, तो खराबी होगा यार। अब ये सवाल आता है, अब उसके बाद वो बाहर आए, मैच खेल रहे थे, लड़ाई हो गई, तो कितना सही? अब जो आदमी फिक्सिंग कर रहा है, नहीं कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो बात है। अब राखी सावंत को देख लो, पूछ तो टेढ़ी है ना, बाउंड्री पे छोड़ दी थी बॉल, इस बात मारा था, फील्डिंग अच्छी नहीं करी थी, ये थप्पड़ ही मार देते हैं, नहीं मारते लेकिन वो मार दिया था एक, चलो ठीक है ना, बहुत कुछ नहीं होता। तो मुझे लगता है कि विराट, वो जो गौतम गंभीर ने जो किया वो सही किया होगा यार। नहीं यार, वो कह रहा है फिक्सर बोला मैदान में, तो फिक्सर तो जेल उठाया गया था ना, मतलब लेकिन अब तो खत्म हो गया ना, पास को छोड़ दो ना, अब तो अच्छा कर रहा है बेचारा वो, अब किसी इंसान ने चोरी मेहनत कर रहा है यार। इंडियन मेंटेलिटी देखो सनी लियोनी को, लोग आज ही क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं बताओ भाई, जिस इंडस्ट्री से वो आई थी उसके इतिहास को याद दिलाते हैं कि भैया आप कहाँ से आई थी, मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब श्रीसंत को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नहीं कर पाएंगे यार। ठीक है गरिमा, श्रीसंत को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या अभी भी मतलब उन्हें उस नजरिए से देखना सही है फिक्सर के तौर पे? वो तो देखिए कि मैं तो बोल नहीं सकती, बट एक होता है ना कि लोगों के दिमाग में एक उनकी इमेज बस गई है, वही वाली इमेज वो ज्यादा हाईलाइट हो गई। अब वो जो इतना वो कर रहे हैं, मतलब बार बार लाइव आके बोल रहे हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं कि अपनी इमेज क्लीन करने के लिए? देखो इमेज क्लीन करनी होती तो बहुत पहले हो जाती है, अब मे बी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे होंगे। ओके ठीक है, ये बड़ी देखो पता क्या, अब श्रीसंत की लड़ाई हुई है, श्रीसंत ने खुद आके पहले दो बार लाइव आ गए, एक तो वो, तो अब ऐसे जैसे कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार वो पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं, ये गौतम ने सच में बोला होगा? यार बोला होगा तभी बंदा बारी बारी लाइव आकर बोल रहा है। बट मुझे ना जो मैदान के अंदर वो, उसको बाहर लाके क्यों घसीटना? क्रिकेट फील्ड में तो बहुत सारी चीजें, वो कहां बोले, क्रिकेट फील्ड में तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार। जब उनके ऊपर से वो हट गया कि हाँ, मतलब उनको उन पर बैन था, वो अपलिफ्ट हो गया, उसके बाद तुम्हें बोलने की क्या जरूरत है? तुम भी एक क्रिकेटर हो, वो भी एक क्रिकेटर है, तो दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर कोई तुम्हें आकर बोले तो तुम्हें भी बहुत ट्रिगर करेगी, तुम लोगों को बोलोगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, सेम उसने किया। लेकिन गौतम गंभीर तो पहले भी लड़े लेकिन मैदान के बाहर कभी नहीं बोले, कोई भी खिलाड़ी नहीं बोलता मैदान के बाहर। होता है उसका अपना था, उसने अपने आप अपने वे से बताया कि हाँ मुझे ये चीज ट्रिगर कर रही है। तुम्हें नहीं लग रहा कि वो पॉपुलैरिटी नहीं कर रहा? नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि पॉपुलर है, बिग बॉस में भी आए थे, उसके बाद उन्होंने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की थी। इनको बिग बॉस का शौक है, इनको लग रहा है बिग बॉस में आए थे तो बढ़िया आदमी है। नहीं, बढ़िया आदमी नहीं है, काफी लंबे समय तक वो टिके थे बिग बॉस के घर में, अभी मैंने पीछे से सुना। अच्छा खेलते हैं मतलब, हाँ अच्छे प्लेयर थे। चलो आगे बढ़ते हैं। सत्यम, मुझे भी इतनी उम्मीद, तुमसे इतनी उम्मीद है जितनी अफजल से थी, कि इतना ही पता होगा जितना अफजल को। बहरहाल गौतम गंभीर या अच्छा गंभीर पर ये ना पढ़ लिया, आप पढ़िए, आप तो तुम बताओ बेटे क्या ही के दोनों में से कौन सही है? मुझे लगता है कि किसी को इस तरह बोलना कि वो फिक्सर है, ये गलत है, गलत है। जब कोर्ट ने उसे उस चीज से बरी कर दिया, वो सब कुछ खत्म हो गया, तो किसी को इस तरह बोल देना कि मैच फिक्सर है या फिक्सिंग किया है, गंभीर की गलती है, तो मतलब क्योंकि गंभीर कई बार विराट और सहवाग को मैदान के बाहर नहीं लाना चाहिए ना, लड़ाई तो यार सब होती है। अब वो उसका, अब वो उनका नजरिया, घुसा चल जाएगा इनमें तो, अब वो उनका नजरिया था, उनको नहीं पसंद आया, वो उसको सोशल मीडिया पे ला दिए, जो है पॉपुलैरिटी के लिए नहीं कर रहे, नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलैरिटी के लिए करेंगे। बिल्कुल, चलिए चलिए ठीक है ठीक है।
अनुराग भाई उधर वैसे तो कंट्रीब्यूशन आपका काफी आगे था, लेकिन फिर भी एक बार संपादक महोदय हमारे यहाँ के, थैंक यू। तो ये बताइए पॉपुलैरिटी या फिर सच में आहत हुई है भावनाएं? देखिए आहत कि मेरे डियर वंस को बुरा लगा, मुझे हर्ट हुआ है, मेरे सपोर्टर्स को हर्ट हुआ है। देखिए आहत हुई होगी भावनाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गंभीर की ये प्रवृत्ति है कि वो कुछ भी बोल जाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल जाते हैं वो उनकी प्रवृत्ति है। दूसरी चीज, अगर किसी चीज को कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और आप उसको डिनाई कर रहे हो, आप फिक्सर कैसे बोल सकते हो, आप कैसे बोल सकते हो? आप एक प्रतिनिधि हो जनता के, बिल्कुल। आप सिर्फ क्रिकेटर नहीं हो, हाँ। सिर्फ क्रिकेटर होते तो बात सिर्फ मैदान तक रहती, मैदान तक। अब आप सांसद हो, ठीक है, अब आप सांसद हो। और रही दूसरी बात कि ये सिर्फ उसने लाइव आके नहीं कहा है, वीडियो में नहीं कहा है, एक उस दौरान एक मीडिया संस्थान का बड़े चैनल का एक माइक वहां था। अच्छा। उसने पूछा ऑन रिकॉर्ड, उसने माइक पे बोला है कि मुझे ऐसी बातें बोली गई जिससे मैं दूर भागता हूं, जो मेरा पास देख रहा है, जो मेरे ऊपर इल्जाम लग चुके हैं, हाँ, वो उसने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन वो बोला, ठीक, वो उन्होंने बोला है, ठीक है, ग्राउंड के अंदर बोला है, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, गलत है। श्रीशांत ठीक है, एक टाइम पे एक लंबे दौर तक उन्होंने फेस किया है, उसके बाद ग्राउंड में आए हैं, आज उनको खेलने का शौक है, वो खेलने आते हैं, देश के लिए भी खेला है, उनको मैच खेलने का शौक है, क्रिकेट से प्यार। और अब से दो हफ्ते पहले तक गंभीर की बहुत तारीफ कर रहे थे, गंभीर बहुत ही स्वीटेस्ट गाय, और गंभीर खुद कहते हैं मुझे उनके एग्रेशन बहुत पसंद है। मुद्दा क्या होता है ना कि जब आदमी के साथ खुद फेस हो करता है ना, तो उसे एहसास होता है, ठीक है, जैसे गंभीर ने भी कहा उनका एग्रेशन पसंद है, और वही जब एग्रेशन अपने पर आया तो लग गई, तो आग लग गई, तो वही कहानी थी। आइए चलिए आप इधर इधर इधर, आप भी मुझे लग नहीं रहा कुछ खास क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती होंगी। गौतम गंभीर कैसा लगता है? मतलब वो सबको ही उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मतलब उम्मीद है, थोड़ा तेज बोलना है ना, थोड़ा हमारा माइक वैसे मजबूत है, पैसा खर्च किया माइक पे, अच्छा खासा माइक है, फिर भी थोड़ा तेज बोल लेना। मतलब अब बताओ कैसे लगते हैं वो? मतलब सबको ही वैसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई डाउट ही नहीं है उनके लिए। और वैसे वो जो है मतलब उनमें भी थोड़ा एग्रेशन है, बिग बॉस में देखा है। ओके, बिग बॉस में देखा है तो, लेकिन माइक उनकी क्रिकेट की नॉलेज इतनी ही है जितनी आपके बिग बॉस की है, अब आप समझ लीजिएगा। अब तो मैं तुमसे इतना ही पूछूंगा, बताओ आदमी कैसा था शीर्षंत बिग बॉस में? बिग बॉस में कैसा था? है मतलब बिग बॉस में कहां है अब? बिग बॉस में खाई हो गया, आदमी जिंदा है, लेकिन बिग बॉस में अच्छा खेला था? खेले तो अच्छा था, काफी आगे तक गए थे। मतलब गंभीर के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। आ जाओ विकास, ये पहले मुस्कुराने लग जाते, इसे पता नहीं, आ जाओ, तुम्हें मिठाई विठाई नहीं लेके आ रहा मैं, इसे पकड़ो माइक। अच्छा, मिठाई नहीं है? उधर देखो, उधर वो कैमरा देखो, वो कैमरा जी सर। आप बताइए, तुम्हारे साथ प्रैंक व्रैंक कुछ नहीं हो रहा है? गौतम गंभीर या श्रीसंत? गौतम गंभीर ने किया तो श्रीसंत ने बाद में आके उसे बाहर बता दिया। गौतम गंभीर ने अभी बाहर कुछ नहीं बोला है, ऐसे स्टेटमेंट नहीं दिए, सिर्फ एक हिंट दिया है। तो क्या वाकई में श्रीसंत पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? मे बी और शायद दोनों का मतलब एक होता है। तो ये बताओ मुझे, गौतम गंभीर ने बोला होगा ऐसा? मे बी शायद, पता नहीं मुझे, क्रॉस मैंने देखा नहीं, पता नहीं एक्चुअली, मैंने देखा नहीं जाने दो, एक तो पता नहीं क्या देखते रहते हैं, इधर उधर की सारी चीज़ देखेंगे, काम चीज़ें वो नहीं देखेंगे, इनके देखो ये रील बना लेंगी पहले उनके साथ। आ जाओ इधर, आ जाओ अयान, अयान के पास आ जाओ, अयान इधर पल्ली इधर घूम, इधर घूम यार। मैच देखा? देख, ये इसको स्पोर्ट्स में नॉलेज इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हमारे साथ काम किया, फिर इसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गया, खिलाड़ी को जानते हैं। गौतम गंभीर को तो जानते ही हो तुम, यस, इसे पकड़ लो यार। अच्छा, तो गौतम मेरे पास है ना, बढ़िया, पैसा बहुत है यार, पागल है तू, है ना। हाँ, तो देख, गौतम गंभीर और श्रीसंत में लड़ाई हुई, श्रीसंत ने बाहर आके चिल्ला दिया बहुत सारा, तूने वीडियो भी काटी थी एक, तो कितना सही है गौतम गंभीर ने, सही में बकी होगी इतने कुछ, या फिर खाली हवा बना रहा है? नहीं, वो कर सकता है, गौतम गंभीर बड़े आदमी है, वो कर सकता है, वो जब विराट कोहली से भी लड़ सकता है तो उसके आगे वो तो बच्चा ही है, फिर वो कर सकता है। लेकिन फिर इतना ग्राउंड में जो हो गया, उसको ग्राउंड में रहने दो ना, बाहर क्यों लाके बोल रहे हो? तो फिर कंट्रोवर्सी कैसे वो हवा में आएगी? मतलब उसको भी चाहिए कंट्रोवर्सी, संत को भी? बिल्कुल। कुल मिला के बात यही है कि दोनों तरफ से मामला यही आ रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि उसको भी चाहिए कंट्रोवर्सी, तो कुछ कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, गौतम गंभीर ने बोला भी होगा, और गौतम गंभीर पावरफुल आदमी है, अगले के पास कुछ है नहीं इतना, तो उसने सोचा सोशल मीडिया को ले लेते हैं और उसी से टारगेट करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है, क्या श्रीसंत पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं? वाकई में गौतम गंभीर इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।